हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 33 एंड 34 चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए 35 चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लुइस तैयार हो जाता है और तभी सारी किटन्स म्याओं म्याओं करने लगती हैं। ये सुन के लुइस उनके पास बैठते हुए कहता है, सॉरी मैं तुम सबको अपने साथ नहीं ले जा सकता और ना ही मैं अब तुम सबका ध्यान रख सकता हूँ। ये कह के लुइस वहाँ से चला जाता है और फिर सोचता है, शायद मेरी जाने के बाद एल्जफ तुम सबका ध्यान रखेगा। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 35 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर स्टार्टिंग में हम बीजिंग रेलवे स्टेशन देखते हैं, जहाँ लुइस आया होता है और वहाँ ट्रेन के आने का इंतज़ार करता है। तभी लुइस अपने फ़ोन में डॉक्टर आइवन के सारे मैसेज पढ़ रहा होता है, जहाँ उन्होंने बहुत सारे मैसेज किए होते और कहते, लुइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स रियल हैं। मुझे पता है तुम्हारे पास ऑलरेडी एक पार्टनर है, पर मैं उससे अच्छा तुम्हें ट्रीट कर सकता हूँ। प्लीज़ लुइस, गुस्सा मत करो, एटलीस्ट प्लीज़ रिप्लाई तो करो। लुइस मुझे इग्नोर मत करो। ठीक है लुइस, अगर तुम्हें मुझसे नहीं बात करनी मत करो, पर प्लीज़ हॉस्पिटल आओ, कल तुम्हारी चेमोथेरेपी भी है। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा। लुइस मैं प्लीज़ तुमसे भीख मांग रहा हूँ, तुम्हारी इलनेस को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अगर तुम हॉस्पिटल आ गए तो मैं पक्का तुमसे कभी नहीं मिलूँगा। ये सारे मैसेज पढ़कर लुइस सोचता है, हाँ इतने सारे मैसेज, मुझे कम से कम एक का रिप्लाई तो कर देना चाहिए था। ये सोचते हुए लुइस डॉक्टर आइवन को फ़ोन लगा रहा होता है। फिर तभी डॉक्टर आइवन फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं, लुइस क्या तुम ठीक हो? लुइस स्माइल करते हुए कहता है, डॉक्टर आइवन जितनी भी तकलीफ़ मैंने आपको दी है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, और मेरी इलनेस मैं उसे ट्रीट नहीं करूँगा। ये सुन के डॉक्टर आइवन कहते हैं, हाँ लुइस मैं ये अलाउ नहीं करता। लुइस कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं ठीक हो भी गया तो मैं खुद ही नहीं जीना चाहता। ओके डॉक्टर, अपना ध्यान रखना, मैं अब जा रहा हूँ। ये कह के लुइस फ़ोन काट देता है और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। फिर हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ लुइस मशीन से वाटर बॉटल ले रहा होता है। तभी सडनली स्टेशन में बहुत सारी भीड़ जम जाती है और वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। इतनी सारी भीड़ की वजह से लुइस पीछे मुड़ के देखता है और सोचता है, अचानक से इतनी सारी भीड़। तभी सडनली लुइस चौंक जाता है क्योंकि वहाँ डॉक्टर आइवन आ जाते हैं और वो सारे गार्ड्स भी डॉक्टर आइवन के साथ ही थे। तभी सडनली डॉक्टर आइवन ज़ोर से अपना हाथ उस मशीन पर पटकते और लुइस को ब्लॉक करते हुए चिल्लाते हुए कहते, लुइस क्या तुम पागल हो, मुझे इतना डरा दिया तुमने। तुम्हें क्या लगता है एक गुड बाय कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ऊपर से अब तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवानी। तुम ही बताओ क्या चाहते हो तुम, यही कि तुम्हें सुसाइड कमिट करता हुआ मैं देखता रहूं? ये सब सुन के वहाँ के आसपास के लोग लुइस और डॉक्टर आइवन को ही देख रहे होते। लुइस तभी घबराते हुए कहता है, डॉक्टर आइवन ये आप क्या कर रहे हैं? तभी डॉक्टर आइवन लुइस का हाथ पकड़ लेते और कहते, हाँ तुम सही हो, मैं पागल हो गया हूँ, पर फिर भी मैं जिद कर रहा हूँ, तुम्हें गुस्सा दिला रहा हूँ, तुम्हें अनोइंग फील करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं पागल हो गया हूँ। तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था, मुझे लगा कि तुम पागलों जैसा कुछ भी करने वाले हो, इसलिए मैं अपने साथ इमरजेंसी डॉक्टर और कार्स भी ले आया, पर तुम अपने घर पर नहीं थे। तुम्हें पता नहीं मुझे कितनी बैड फीलिंग आ रही थी। अगर मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए GPS नहीं यूज़ किया होता तो क्या तुम सच में यहाँ मरने का प्लान बना रहे थे? ये सब सुन के लुइस को गुस्सा आ जाता है और फिर अपना हाथ पीछे लेते हुए कहता है, मैं जहाँ भी मरूँ ये डिसीजन मेरा होगा। तुम एक डॉक्टर हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए वहाँ कितने सारे पेशेंट्स रुके और तुम यहाँ गैंगस्टर बनते फिर रहे हो? ये सुन के डॉक्टर आइवन थोड़े उदास हो जाते हैं और फिर लुइस के पास आते हुए कहते, बाकी सारे लोगों को छोड़कर मैं सिर्फ तुम्हें ट्रीट करना चाहता हूँ लुइस। तभी डॉक्टर आइवन लुइस को हग कर लेते हैं और कहते हैं, हाँ तुम्हें पता है ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं एक गैंगस्टर जैसा एक्ट कर रहा हूँ और किसी को मैंने किडनैप किया है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें किडनैप करके एक सेफ जगह ले जा सकूँ जहाँ तुम जाना चाहते हो, क्या ये ठीक होगा? ये सुन के लुइस चौंक जाता है और फिर शांत होते हुए कहता है, पहले मुझे छोड़ो उसके बाद हम बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स,
यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय।